तो ये कहानी है एक हिरण की। एक जंगल में आग लग जाती है, हिरण को बहुत प्यास लगती है, वो नदी के पास जाता है। जैसे ही वो पानी पी रहा होता है, उसे एहसास होता है कि उसके राइट साइड पर कुछ है। वो नज़र दौड़ाता है तो देखता है कि शिकारी होता है। उसे लगता है कि बाईनी तरफ भी कुछ है, तो वह लेफ्ट साइड पर देखता है, उसे शेर नज़र आता है। पीछे आग, राइट साइड पर शिकारी, लेफ्ट साइड पर शेर और आगे नदी जिसमें है खूंखार मगरमच्छ। यानी कि वो सोच लेता है कि अब उसकी मौत निश्चित है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस स्थिति में भी वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है। उसे लगता है कि मैं पानी पीने आया हूँ, चलो मैं अपना काम करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, आगे देखी जाएगी क्या होगा। कुछ ही समय में तेज हवाएं चलने लगती हैं, बारिश आ जाती है, जिससे शिकारी का निशाना चूक जाता है और तीर लगता है सामने खड़े शेर पर। जैसे ही शेर को तीर लगता है, वो गुस्से में आ जाता है, वो शिकारी के पीछे दौड़ता है, शिकारी आगे शेर पीछे। तो बारिश से आग भी बुझ जाती है, यानी कि हिरन देखता है अब ना शिकारी है, ना शेर है, ना ही जंगल में आग है। वो आराम से पानी पीता है और किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार इंसान की ज़िंदगी में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि उसे चारों तरफ समस्याएं नज़र आती हैं। उसे लगता है कि सारी समस्याओं ने उसे घेर लिया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता, यानी कि आशा जो है, होप जो है, उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। लेकिन कहते हैं कि अगर समस्याएं आने में देरी नहीं लगती तो समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। तो भगवान कई बार ऐसी स्थितियां भी बना देते हैं कि समस्याएं जो है अपने आप छू मंतर हो जाती हैं। बस ज़रूरत होती है धैर्य रखने की, संयम रखने की और आशा रखने की।